जीवन में जो कुछ देखते हैं करते हैं उसके अनुसार जो अनुभव है तो आप लोगों को बता रहे हैं, है ना। जैसे कि अभी आप लोग बच्चे हैं, कितना 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 उम्र है आप लोग का, सबसे छोटा कौन है इसमें? और सबसे बड़ा कौन है? देखिए, हम जब बच्चे लोग होते हैं तो क्या बताया जाता है कि अच्छा से पढ़ना है और अच्छा से पढ़ लेंगे तो उसके आगे का जो लाइफ होगा वो आराम से होगा, आराम से रहेगा, सब कुछ सुविधाएं मिलेगी, है ना, ऐसा कहा जाता है ना। तो अभी हम लोग फर्स्ट क्लास, फोर्थ क्लास, फिफ्थ क्लास में पढ़ रहे हैं, उसके बाद आप आगे जाएंगे टेंथ क्लास में पढ़ेंगे, उसके बाद हो जाएगा कि ये पढ़ लेंगे तो अच्छी जॉब हो जाएगी, उसके बाद आगे चलेंगे, है ना, ऐसा होता है ना, ऐसा बताया जाता है ना। अभी अभी पढ़ेंगे अच्छे से तो रिजल्ट अच्छा आएगा, क्लास में पढ़ेंगे अच्छे से तो रिजल्ट अच्छा आएगा, सब कुछ अच्छे से पढ़ेंगे तो रिजल्ट अच्छा आएगा, होता है ना, बोलिए ऐसा। हाँ, तो इसमें क्या है कि ये तो हमारे पढ़ाई में अभी जो आप लोग जो चीज देख पा रहे हैं उसके लिए है, लेकिन हम लोग का क्या है कि हमारे जन्म से पहले भी कुछ है और मृत्यु के बाद भी कुछ है, है ना। उस चीज को हम लोग नहीं जान पाते हैं, बस किसी चीज को जानते हैं, है ना। अभी हम लोग समझ रहे हैं कि पढ़ेंगे अच्छा रिजल्ट आएगा, इसके बाद भी कुछ अच्छी चीज है, उसको बोलते हैं हम लोग कर्म और उसका परिणाम, है रिजल्ट, जिसको हम लोग रिजल्ट बोलते हैं, कर्म और रिजल्ट। कर्म मतलब समझ रहे हैं, कर्म काम जो आप लोग काम करते हैं और उसका परिणाम, उसको क्या बोलते हैं गुजराती में, रिजल्ट, रिजल्ट, है ना, तो वो होता है। तो यदि किसी के कोई जो जैसे जैसे हम लोग ये कर रहे हैं तो हर कुछ का एक जो काम कर रहे हैं वो हर कुछ का एक परिणाम होता है, है ना। तो उस काम को कैसे अच्छे से किया जाए और कौन सा काम अच्छा है इसको जानना जरूरी है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, इसके बारे में मनोज सर आप लोगों को विस्तार रूप से बनाएंगे बताएंगे। तो इस चीज को आप लोग समझ पा रहे हैं कि कुछ काम होता है और उसका परिणाम भी होता है, है ना। जैसे आप लोग पढ़ाई के बारे में हम एग्जाम्पल देते हैं कि अच्छा पढ़ेंगे तो उसका एक अच्छा परिणाम होता है, होता है ना। क्लास में फर्स्ट करते हैं, जो अच्छे से पढ़ते हैं वो फर्स्ट करते हैं, जो नहीं पढ़ते हैं वो उनको अच्छा रिजल्ट नहीं होता है, पास नहीं हो पाते हैं या रिजल्ट खराब हो जाता है, हो जाता है ना। उसी तरह से कर्म और परिणाम है, तो क्या कर्म हमको करना चाहिए और कैसे करना चाहिए और उसका परिणाम भी होता है, बाद में होता है, पहले अभी जो हो रहा है वो किसी और चीज का परिणाम है, तो ऐसे चीजें होते हैं, उसको हम लोग को फॉलो करना है ना। अभी उसके बारे में मनोज सर बात करेंगे, ठीक है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।